इतना लगता है लोगों को कि मैं सोच रहा हूँ आई शुड परहैप्स मेक इट इनटू माय करियर. नो नो नो. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे. तो दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने देख ली है सनी पाजी की गदर 2 और गदर 2 को देखने के बाद दिया है दमदार रिएक्शन. तो दोस्तों, आखिरकार उन्होंने सनी पाजी के बारे में क्या कहा है, अमीषा पटेल मैम के बारे में क्या कहा है, एंड साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने उत्कर्ष शर्मा को लेकर क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे. इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आसान से मिलती रहे. तो दोस्तों आपको बता दें, शाहरुख खान ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में यह बयान दिया है कि जब मैंने गदर 2 देखी तो मुझे टोटली घूस बम्स आई, क्योंकि इस फिल्म में सनी पाजी के जिस हिसाब से डायलॉग्स हैं उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि सनी पाजी 18 साल बाद हमें गदर 2 में देखने को मिले हैं, क्योंकि इस फिल्म में हमें वही अंदाज देखने को मिला है जो कि हमें गदर 1 में देखने को मिला था. फिल्म के अंदर सनी पाजी जिस हिसाब से फाइट कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं अपने दमदार डायलॉग्स के साथ, तो उनको देखकर ऐसा साफ साफ पता लग रहा है कि सनी पाजी वो सोता हुआ शेर है जो कि गदर 2 से रिटर्न आ चुका है बॉलीवुड में. और मेरा ऐसा मानना है कि सनी पाजी अब रुकने वाले नहीं है, गदर 2 के बाद वो कोई ना कोई एक और बड़ी फिल्म जरूर करेंगे. फिर इसके बाद दोस्तों शाहरुख खान ने उत्कर्ष शर्मा की बात करते हुए कहा, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि उत्कर्ष शर्मा के करियर में एक नया टर्निंग पॉइंट आएगा इस फिल्म की वजह से, मतलब कि उत्कर्ष शर्मा को बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर हो सकती हैं गदर 2 की वजह से. हालांकि गदर 2 ही उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी, क्योंकि गदर 2 कमाई के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी. मैं सच बताऊं तो मेरी पठान का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देगी गदर 2 कमाई के मामले में, मुझे ये भी लग रहा है. बाकी अमीषा की एक्टिंग की बात करूं तो उनकी एक्टिंग भी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे इस फिल्म में, और कहीं ना कहीं उनको भी इस फिल्म की वजह से और कई सारी फिल्में ऑफर हो सकती हैं. दोस्तों इतने कहकर शाहरुख खान ने अपनी बात खत्म कर दी थी. तो दोस्तों अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को शाहरुख खान का रिएक्शन गदर 2 फिल्म पर कैसा लगा, एंड साथ ही साथ दोस्तों हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने गदर 2 देखी या नहीं. फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.